हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के सारे शॉर्टकट्स देखने वाले, यानी कि इंटीग्रेशन चैप्टर बेसिकली बहुत ही बड़ा है, बराबर। एंड इसके क्वेश्चंस भी सीडी के लिए जा पाते, यानी कि अगर अप्रोक्सीमेटली भी पकड़े तो 8-1 क्वेश्चन तो इस टॉपिक में से कवर होते, यानी कि 15 से 16 मार्क्स का इस टॉपिक का वेटेज है। एंड देखा जाए तो ये बेसिकली ये वीडियो बड़ा बनने वाला है, यानी कि एक शॉर्टकट्स लेंगे एंड उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। बाय चांस कुछ पीवाई क्विज हुए तो पीवाई क्विज का भी स्टडी करेंगे, इसलिए वीडियो बड़ा बनने वाला। तो अगर चैनल पे आप नए दोस्तों, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट शॉर्टकट क्या है दोस्तों, बेसिकली शॉर्टकट नंबर 1, यहाँ पे मैं 1 लिखता, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हुआ, तो इसका सीधा आंसर होता हाफ 1/2 बी माइनस ए। ये तो बेसिकली हमारा फर्स्ट शॉर्टकट है दोस्तों, यानी क्या दिया है कि अगर फंक्शन है, नीचे फंक्शन प्लस फंक्शन ए प्लस बी माइनस एक्स हुआ, तो इसका आंसर कितना आता 1/2 बी माइनस ए। तो इसके ऊपर से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बेसिकली क्या दिया है, 3π/10 पाई अपॉन 5 टैन एक्स प्लस कॉट एक्स। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे आप दोस्तों, यहाँ पे एक चेंज आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन हमारा क्या है, टैन एक्स है, बराबर। यहाँ पे फंक्शन टैन एक्स है, तो यहाँ पे ए प्लस बी को पहले ऐड करेंगे, यानी टैन में पहले देखेंगे कि अप्लाई है क्या। अगर ये एज इट्स वैल्यू आई कॉट एक्स, तो ये अप्लाई है। तो सबसे पहले फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या है, टैन। उसके बाद क्या है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 5/5 प्लस बी कितना है 3π/10 माइनस कितना आएगा एक्स, बराबर। एंगल कितना था, एक्स ही था बेसिकली। तो यहाँ पे टैन अगर बेस सेम किया तो यहाँ पे 2π/10 प्लस 3π/10 माइनस एक्स। बेस सेम है, ऊपर हो गया एडिशन, तो ऊपर 3 प्लस 2 5 5π/10 माइनस एक्स टैन, बराबर। तो 5 5 5 5 10, तो टैन 5/2 माइनस एक्स, तो टैन 5/2 माइनस एक्स यानी क्या, कॉट एक्स। कॉट एक्स वाला यहाँ पे कॉट एक्स है, यानी कि देखा जाए तो ये शॉर्टकट्स यहाँ पे अप्लाई है, यानी कि सीधा इसका आंसर कितना आएगा, इंटीग्रेशन लिखा तो भी 1/2 बी माइनस है, बी कितना है 3π/10 माइनस 5/5। अगर बेस सेम किया तो क्या आ जाएगा, 3π/10 माइनस 2π/10, तो यहाँ पे बेस सेम है, ऊपर सबसेक्शन होगा 1/2 × π/10 यानी π/20, ये होगा हमारा सही आंसर। यानी कि शॉर्टकट अगर समझ में आया तो विद इन 10 सेकेंड के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में सॉल्व हो सकते हैं। उसी के साथ एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टकट है, 2010 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, सेम इसी फॉर्म में है। क्या दिया है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, 0 to 11, ऊपर क्या दिया है 0 to 11, लिमिट है 0 to 11, 11 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है दोस्तों, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे फंक्शन हमारा है 11 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन एज इट इज लिखा, यानी 11 माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाद में, चलो एक्स स्क्वायर, एक्स एंगल है तो एंगल ना, एक्चुअली 11 माइनस एक्स स्क्वायर है, बट 11 लिखेंगे बाद में। इसमें क्या करते हैं, 11 माइनस एक्स स्क्वायर चाहे तो वैसे लिखते, चलो 11 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या आएगा 11 प्लस 0, बराबर 11 प्लस 0, फंक्शन 11 प्लस 0, बट एक्स एज अ फंक्शन के रूप में लिया, तो 11 ब्रैकेट में आ जाएगा 11 प्लस 0 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 11 माइनस 11 कैंसिल होगा, तो बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा तो आगे जाके प्लस होगा, यानी कि यहाँ पे ये शॉर्टकट देखा जाए तो एप्लीकेबल है। तो सीधा आंसर क्या आएगा, हाफ बी माइनस ए, बी माइनस ए यानी कितना है 1/2
11 माइनस जीरो ऑप्शन आएगा हमारा 11 अपॉन टू, एंड 11 अपॉन टू वाला ऑप्शन कौन सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 56 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दिया है, ए टू बी अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स, और पूछा है इसका आंसर कितना है। सबसे पहले लिखे फंक्शन है बराबर, फंक्शन में ए प्लस बी माइनस फंक्शन लिया, तो ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स भी देख लीजिए तो बेसिकली रूट में, यानी कि रूट एक्स है बराबर, तो यहाँ पे इसका सीधा आंसर आएगा 1/2b माइनस ए, या ऐसा कौन सा ऑप्शन है क्या, एक्चुअली ऑप्शन बी देखिए क्या है, b माइनस ए अपॉन टू, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। तो उसी के साथ चलो 2019 का और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है उन्होंने, पाई बाय एटीन टू 4π अपॉन 9 टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बराबर, और पूछा इसका इंटीग्रेशन। सबसे मेन बात साइन ए प्लस बी, साइन क्या एडिशन करते, चलो पहले साइन ए प्लस बी यानी क्या है, ए क्या है पाई बाय 18 प्लस 4π अपॉन 9 माइनस एक्स बराबर, तो यहाँ पे बेस सेम किया इस साइड, तो पाई अपॉन 18 यहाँ पे आएगा 8π अपॉन 18 बराबर माइनस एक्स, तो ऊपर एडिशन होगी, तो यहाँ पे 9π अपॉन 18 माइनस एक्स, यानी कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, एंड साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी क्या है कॉस एक्स, यानी कि यहाँ पे ये अप्लाई है। उसके बाद सीधा शॉर्टकट यूज़ करेंगे, हाफ बी माइनस ए, बी क्या है हमारा 4π अपॉन 9 माइनस ए पाई बाय 18, उसके बाद बेस सेम किया तो यहाँ पे आ जाएगा 8π अपॉन 9 या आ जाएगा पाई बाय 9 8π अपॉन 18 पाई बाय 18 1/2, बेस सेम है एक कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 7π अपॉन 18 7π अपॉन 36 वाला 7π अपॉन 36 तो बेसिकली नहीं है, पाई बाय 18 है। एक बात बताना यहाँ पे भूल गया मैं कि अंडर रूट 2 था, तो 2 वहाँ बाहर कॉमन आएगा बराबर, 2 सारी जगह कॉमन आएगा, तो बाहर का 2 इस 2 के साथ क्या होगा कैंसिल, तो हमारा कितना आंसर आएगा 7π अपॉन 18, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। उसी के साथ टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न में दोस्तों आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को करना ना भूले, तो ये क्वेश्चन पे आप अच्छे से कर लेना दोस्तों। अभी क्या करेंगे, शॉर्टकट सेकंड पे सीधा जंप करते, तो अभी सेकंड शॉर्टकट देखें दोस्तों क्या है, कि इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स, तो उसका सीधा आंसर कितना आता पाई, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे मैं लिखता 2 से 3, फॉर एग्जांपल के लिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए, ए यानी 2 एंड बी माइनस एक्स यानी 3 माइनस एक्स, तो इसका सीधा आंसर कितना आएगा पाई, यानी कि अगर ये शॉर्टकट आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पता नहीं होगा तो यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी 3x माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6 प्लस 2x, यानी कि पूरे के पूरे हम ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन करेंगे एंड उसका आंसर निकालेंगे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर उसके बाद प्लस 5x माइनस 6 माइनस साइन ट्रांसफर करेंगे, यानी कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगी अगर आपको शॉर्टकट पता नहीं है, तो ये शॉर्टकट करना ना भूलिए दोस्तों, बहुत ही ईजी शॉर्टकट है, यानी कि सेकेंड शॉर्टकट भी आपको समझ में आ गया होगा, अभी सीधा थर्ड शॉर्टकट के ऊपर जंप करते हैं। तो अभी शॉर्टकट नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 लॉग साइन एक्स से, तो इसका सीधा आंसर कितना आता माइनस π/2 लॉग 2, अगर बेसिकली देखा जाए तो साइन का भी सेम है कॉस का भी सेम है, यानी माइनस π/2 लॉग 2, उसके बाद लॉग कोसेक एक्स हुआ तो यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन है, यानी कि π/2 लॉग 2, एंड सेक भी हुआ तो भी प्लस साइन है। मैक्स टू मैक्स ऑप्शन में कैसे चेंज हो सकते हैं बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी, तो मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पे अगर हमें माइनस साइन कैंसिल करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, सिर्फ इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, यानी कि π/2 लॉग 1/2, ये यहाँ पे एक चेंज हो सकता। उसी के साथ यहाँ पे भी अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन सिर्फ आ जाएगा माइनस π/2 लॉग 1/2, उसी के साथ माइनस π/2 लॉग
वन अपॉन टू। मैंने चेंज समझ लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है नहीं, यहाँ पे प्लस है। सिर्फ माइनस प्लस का ऑप्शन, माइनस प्लस का खेल है, उसी के साथ ऑप्शन में माइनस भी रहता है, प्लस भी रहता है, प्लस माइनस भी रहता है, इसलिए आपको ये पता होना जरूरी है। तो इसके ऊपर से क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2010 का क्वेश्चन है, यानी कि क्या कहते हैं, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बाई चांस आ सकता है सीईटी में, क्योंकि इसके पहले आया था, और 2020 के आसपास मुझे लगता है एक बार कुछ तो आया था ये क्वेश्चन। तो चलो देखेंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहे हैं दोस्तों, क्या दिया उन्होंने, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2, यहाँ पे लिखता मैं, क्वेश्चन नंबर 21, लॉग कॉस एक्स की वैल्यू उन्होंने दी यहाँ पे -π/2 log 2, बराबर लॉग कॉस एक्स की, एंड हमें फाइंड करने बोला है उन्होंने, देन यहाँ पे क्या पूछा है, 0 to π/2 log cosec x। तो हम सभी को पता है लॉग कॉस एक्स के बाय, अगर हमें शॉर्टकट पता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, π/2 log 2, एंड π/2 log 2 वाला ऐसा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि ये शॉर्टकट भी आपको समझ में आ चुका होगा, यानी कैसे चेंज करना है, फॉर्मूले में कैसे चेंज होता है, प्रॉपर्टी में कैसे चेंज होता है, उसी के साथ शॉर्टकट्स कैसे, तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि शॉर्टकट 3 भी आपको समझ में आया, तो अभी क्या करते हैं, शॉर्टकट 4 के ऊपर जंप करते हैं। तो अभी शॉर्टकट 4 देखिए क्या है बेसिकली, कि 0 to π/2 log tan x हुआ, तो इसका सीधा आंसर कितना था, 0, सेम cot हुआ तो भी 0 होता, एंड 0 to π/2 log 1 + tan x है, तो इसका आंसर आता π/8 log 2। यानी कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन शो कर रहे हैं, यानी कि कौन से क्वेश्चन से ये 2004 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंटीग्रेशन पूछा है 0 to π/2 log cot x, इसका सीधा आंसर कितना है, इसका आंसर ही सीधा 0, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट है। उसी के बाद 2007 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 0 to π/2 log tan x, इसका भी आंसर कितना है, 0, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। यानी कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी सीईटी के लिए आ सकते, शॉर्टकट के ऊपर से एक से दो क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन के हमेशा रहते हैं, यानी कि क्वेश्चन शॉर्टकट 4 भी आपको समझ में आ गया होगा, अभी सीधा क्या करते हैं, शॉर्टकट 5 के ऊपर जंप करते। तो अभी दोस्तों शॉर्टकट नंबर 5 देखते हैं, क्या है बेसिकली, कि 0 to π/2 sin x2x / cos x2x, या फिर -π/2 π/2 हुआ, तो इसका सीधा आंसर कितना आता, π/4, यानी कि सिर्फ हमें पेयर्स देखने, साइन कॉस टैन कॉट ऐसे पेयर्स देखने, सेक कोसेक ऐसे पेयर्स के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसका सीधा आंसर कितना होगा, π/4। अगर आप देखना है लिमिट आपको कितना है, 0 to π/2। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 2008 का क्वेश्चन है, क्या दिया उन्होंने, इन्होंने यहाँ पे दिया है -π/2 to π/2 sin^4x + cos^4x, इसका इंटीग्रेशन उन्होंने पूछा है, इसका इंटीग्रेशन सीधा शॉर्टकट मेथड से कितना आएगा, π/4, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि जब रेस्टू की टर्म्स यन है, सारे टर्म्स यन है, एंड साइन का क्या है, कॉस, पेयर्स देखिए, साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कोसेक, अगर पेयर्स में है तो यहाँ पे सीधा आंसर आपको समझना है π/4, बराबर, यानी कि ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अभी सीधा क्वेश्चन देखिए 2007 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे शो कर रहा है आपको, 0 to π/2 1/1 + √tan x, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिर्फ इसका भी आंसर कितना आएगा, π/4, सिर्फ एक ही चेंज करना है, टैन का क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे कॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा, 1/√cos x + √sin x / √cos x, 0 to π/2, तो अपॉन की टर्म ऊपर जाएगी, तो 0 to π/2 √cos x / √cos + √sin, कॉस का साइन है, बराबर, तो इसका सीधा आंसर कितना आएगा, π/4, एंड π/4 वाला यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि ये शॉर्टकट तो आपको समझ में आ गया, उसी के साथ लगे हाथ और एक शॉर्टकट यहाँ पे देख लेते, शॉर्टकट क्या है बेसिकली, शॉर्टकट क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 to a 1/x² + a² हुआ, इसका सीधा आंसर आता 1/4, बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल के लिए 0 to 4 दिया यहाँ पे, 4 नहीं यहाँ पे दूसरी वैल्यू लेते, 3 लेते, चलो x² + 9, तो इसका सीधा आंसर कितना आएगा, देखिए आप 1/4, a की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे 1/12,
ऐसा यहाँ पे इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन कभी भी मतलब सी ई डी के लिए आया नहीं इस शॉर्टकट के फॉर्म में, बट एक बार कर लेना बाई चांस आ भी सकता। तो शॉर्टकट 5 भी आपका समझ में आ गए होंगे, यानी कि 5 में 2 थे वो भी समझ में आ गए। अभी सीधा नेक्स्ट शॉर्टकट कुछ देखते हैं। तो अभी शॉर्टकट नंबर 6 में ए शॉर्टकट देखेंगे और उसी के साथ इवन एंड ऑड का जो शॉर्टकट है वो भी देखने वाले। सबसे पहले ये शॉर्टकट क्या है देखें कि इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी अंडर रूट एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स हुआ, तो इसका सीधा आंसर कितना था पाई बाय 8 बी माइनस ए स्क्वायर। बाई चांस यहाँ पे अगर कुछ हमने लिमिट लिया 2 से लेकर 3 तक अंडर रूट एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस 2 एंड 3 माइनस एक्स, तो इसका सीधा आंसर कितना आएगा पाई बाय 2 बी माइनस ए। बी कितना है हमारा 3 माइनस ए यानी 2 ब्रैकेट का स्क्वायर यानी पाई बाय 8 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना था पाई बाय 8। यानी कि ये तो आपको शॉर्टकट समझ में आ गया होगा। अभी उसी के साथ और एक शॉर्टकट देखते जो मैंने कहा इवन एंड ऑड का शॉर्टकट। सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन ऑड आया यानी कि नेगेटिव आया तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है 0। एक बार मैं कंफर्म करता हूँ ऑड फंक्शन के लिए बराबर, ठीक है। इवन की तो ज़्यादा जरूरत नहीं है, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन ऑड फंक्शन के ऊपर आते हैं एंड ये लेक्चर्स में भी आ चुके हैं, यानी कि 2019 में भी ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले देखें हमारा जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है बराबर, उसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, यानी कि फंक्शन को रिप्लेस किया तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। तो फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आया बाई चांस नहीं आता ही हमेशा, लेकिन एक बात रखिए कि अगर फंक्शन आपका टोटली निगेटिव हो गया, फंक्शन इज इक्वल टू टोटल निगेटिव फंक्शन, तो ये होता है ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है 0। ये बातों से तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सीधा क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या है सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 2016 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या दिया उन्होंने स्क्रीन पे भी आपको शो कर रहा होगा, क्या दिया इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लॉग 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स बराबर 2 प्लस साइन एक्स। उसी के साथ ये क्वेश्चन सिर्फ मैं सॉल्व करने वाला हूँ, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप ही सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ सॉल्व कैसे करना है एक बात समझ लीजिए, ये हमारा फंक्शन है बराबर, तो फंक्शन को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, लिमिट एज इट इज लॉग 2 माइनस साइन एक्स साइन माइनस ऑफ एक्स बराबर 2 प्लस साइन माइनस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लॉग 2 माइनस साइन माइनस एक्स क्या होता है, यानी कि साइन माइनस थीटा क्या होता है एक्चुअल में माइनस साइन थीटा। उसी के साथ कॉस माइनस थीटा कितना होता है पॉजिटिव होता है कॉस थीटा, बट टैन माइनस थीटा क्या होता है माइनस टैन थीटा। तो 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा बराबर। अगर हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 माइनस साइन एक्स यहाँ पे नीचे आ चुका है, यानी कि ये न्यूमरेटर में ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे अगर इसका रेसिप्रोकल लिया तो साइन क्या हो गया माइनस, यानी कि माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस लॉग 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। तो माइनस साइन यहाँ पे बाहर ली तो क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लॉग 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। और देखिए यहाँ पे एज इट इज ये क्या है हमारा फंक्शन ही ये, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये है ऑड फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑलवेज बिकम्स टू 0, आप ये याद रखिए। उसी के साथ 2019 का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू लॉग 3 माइनस टैन एक्स 3 प्लस टैन एक्स, और टैन का समझ लीजिए टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, यानी कि इसका भी इंटीग्रेशन बाद में क्या आएगा 0 ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 2019 का है, क्या दिया है लिमिट माइनस 9 टू 9 एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर माइनस ही साइन आएगा 4 माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे चेंज नहीं होगा, यानी कि ये भी ऑड फंक्शन इंटीग्रेशन इसका सीधा 0। यानी कि शॉर्टकट 6 में तो ये आपको ये एक और दो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये शॉर्टकट आपको समझ में आ गए। अभी नेक्स्ट शॉर्टकट कुछ देखते हैं। तो अभी लग यार लास्ट कुछ शॉर्टकट्स देख लेते। तो लास्ट में फर्स्ट शॉर्टकट क्या है इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी अंडर रूट एक्स माइनस ए
बी माइनस सिक्स हुआ तो इसका सीधा आंसर आता पाई बाई टू बी माइनस ए, यानी कि बाई चांस अगर हमने यहाँ पे टू से लेकर फोर तक लिमिट लिया अंडर रूट एक्स माइनस टू एंड फोर माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका सीधा क्या आंसर क्या आता है पाई बाई टू बी माइनस ए यानी कि फोर माइनस टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई बाई टू इंटू टू, टू को टू कैंसिल, यहाँ पे आंसर आ जाएगा पाई। ओके तो फर्स्ट शॉर्टकट आपको समझ में आ गया। अभी उसमें सेकंड देखिए, इंटीग्रेशन जीरो टू ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका शॉर्टकट क्या था पाई ए स्क्वेयर अपॉन फोर, यानी कि यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे नाइन है बराबर, यहाँ पे भी नाइन है, नाइन का स्क्वेयर यानी कि 81, ओके माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे पाए 81 अपॉन फोर यानी कि 81 पाए अपॉन फोर, ये क्या होगा बेसिकली हमारा फाइनल आंसर। उसी के साथ नेक्स्ट और एक शॉर्टकट देख लीजिए क्या है, जीरो टू पाई बाई टू टेन रेस टू एन एक्स प्लस टेन रेस टू एन माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एन, यानी कि जीरो टू पाई बाई टू यहाँ पे बाई चांस टेन रेस टू फोर एक्स प्लस टेन रेस टू टू एक्स एज कम्पेयर टू चेंज आ रही, तो इसका सीधा आंसर क्या था वन अपॉन एन माइनस वन यानी कि फोर माइनस वन, तो कितना आता वन अपॉन थ्री, ये शॉर्टकट भी समझ लीजिए। उसके बाद जीरो टू पाई बाई टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका सीधा आंसर था पाई बाय फोर ए प्लस बी, यानी कि बाई चांस फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टू साइन एक्स है प्लस सेवन कॉस एक्स है अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हुआ, तो क्या आता पाई बाय फोर ए प्लस बी यानी टू प्लस सेवन, तो कितना आता नाइन पाई अपॉन फोर, यानी कि ये ही इंटीग्रेशन की टोटली शॉर्टकट्स, यानी कि ये वीडियो देखा जाए तो 20 मिनट्स के आसपास बना होगा, 20 के या फिर आधे घंटे के अंदर ही बना है। और सबसे मेन बात इंटीग्रेशन की ऑल शॉर्टकट्स तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए बराबर, ऑल शॉर्टकट्स तो यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद ऑल शॉर्टकट कवर होने के बाद मेन बचता है हमारा पी वाई क्यूज एंड टेक्स्ट बुक बराबर, आपको इनमें से ये तो क्लियर हो गया पी वाई क्यूज करेंगे टेक्स्ट बुक करेंगे या फिर सीधा टाइप्स पे ध्यान देंगे, यानी कि कौन सा टाइप्स इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर ऐसा वीडियो चाहिए आपको कि कौन से टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो टाइप्स के सीधा नेम बता दीजिए हम हमारा प्रिपेयर करेंगे, या फिर उस टाइप्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। उसी के साथ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।